नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। खुद को बहुत बड़ा ज्योतिषी और तंत्र विद्या का महारथी कहने वाले बिग बॉस 10 के कंटेस्टेंट स्वामी ओम ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, उनके आधे शरीर में पैरालिसिस हो गया था। उनका इलाज एम्स में चल रहा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद 63 वर्षीय स्वामी ओम आज नहीं बच पाए। लेकिन स्वामी ओम का विवादों से एक लंबा नाता रहा है, इसी पर देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। बिग बॉस 10 के कंटेस्टेंट रह चुके स्वामी ओम का निधन हो गया है। स्वामी ओम पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। 3 फरवरी को उन्होंने आखिरी सांस ली। करीब 2 महीने पहले वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। वहां से ठीक होने के बाद जब वो घर आ गए थे, तब उन्हें शारीरिक कमजोरी और कुछ बीमारियों की वजह से फिर से बुधवार को उनको भर्ती कराया गया, जहां उनका देहांत हो गया। स्वामी ओम दिल्ली के अंकुर विहार रोहिणी इलाके में रहते थे। आज उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। लंबी बीमारी से जूझने के बाद सुबह उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके परिवारजनों का कहना है कि स्वामी ओम पिछले कुछ महीनों से बीमार थे। कोरोना वायरस से उभरने के बाद उन्हें चलने फिरने में दिक्कत आती थी, उनका शरीर कमजोर पड़ गया था, जिसके बाद उनका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। पैरालिसिस की वजह से पिछले 15 दिनों से उनकी हालत ठीक नहीं थी, जिसके बाद आज सुबह उनकी डेथ हो गई। मालूम हो कि स्वामी ओम बिग बॉस सीजन 10 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक थे। उनके विवादित बयान खूब सुर्खियों में थे। यहां तक कि उन्होंने बिग बॉस 10 में अपनी को कंटेस्टेंट रह चुकी बानी जे पर यूरिन फेंक दिया था, जिसके बाद बिग बॉस ने उन्हें घर से एलिमिनेट कर दिया था। बिग बॉस 10 के बाद भी स्वामी ओम अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहे। कई ऐसे कार्यक्रम भी थे जहां स्वामी ओम खुद मार खाते हुए नजर आए। यही नहीं, स्वामी ओम का विवादों से गहरा नाता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को स्वामी की ओर से निजता जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। बता दें कि स्वामी ओम उस वक्त भी चर्चा में आए थे जब उन्हें एक टीवी चैनल पर लोगों के साथ, यहां तक कि एक महिला के साथ मारपीट करते हुए देखा गया था। दरअसल ये शो एक लाइव शो था, जहां पर स्वामी ओम ने एक महिला के ऊपर हाथ उठा दिया था, जिसके बाद उन पर जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा उनके कई ऐसे कार्यक्रम के वीडियो हैं जहां पर लोग उनको मारते हुए नजर आए। हालांकि स्वामी ओम ने अब दुनिया को अलविदा कह दिया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो चलिए, हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।